139 मीटर पानी भर रहा है। अब हंसे की रोए बताइए। यहाँ पढ़ने गए पुलिस वाला ने मैं आगे कर दिया हम तो रोज के लिए पंखा का हवा में शांति हुई जानो जारी अपने का भले दियो न वाद कर लियो नो बंगलो ये तो बड़ो तो सरकार को दिल क्यों छोटो थोड़ी बार ये करिए वो पुलिस वाला मामला कहीं ना बाहर उगा दे ये आइन बचे ना के दरवाजा तोड़ी रखे खजानो लूटी रोज तुम्हारा खजानो तो खजानो तीन पीढ़ी पांच पीढ़ी का हमारा पूर्वजन का मकान छे जमीन छे मंजे मंदिर छे मस्जिद छे उनका तुम डुबाई रहा और तुम लूट रही है निर्णय कैसे ले सकते हैं और ये निर्णय लेने के लिए दिल्ली गए हैं कि सभी को डुबाया जाए। इनका रिपोर्ट दिखाऊं आपको वेबसाइट पर दिया हुआ जीरो बैलेंस कोई बाकी नहीं सबका पुनर्वास हो गया। और ये तो कब से कहते आए क्या गांव खाली है अपने एक बार आके देखे हमारे क्षेत्र के मालूम पड़ेगा इनको एक बार देखने नहीं आते कोई वो अभी 10 मिनट रुकते हैं केवल 10 मिनट तीन सेट में भ्रष्टाचारियों को तो इंदौर में बहुत जगह मिलती है और गरीबों को बात करने का मौका नहीं मिलता जब तक इस प्रकार से अंदर आकर नहीं बैठते। हर बार ऐसा अंदर आकर बैठना और बात करना ये करके गए कि नहीं अपन बार बार और हर बार हमारी सूचियां तैयार है हमारे आंकड़े तैयार है गांव वाले लेकिन सीए ने कभी आंकड़े दिए हैं जीरो बैलेंस के सिवाय कोई आंकड़ा कोई सूची आज एनसीए में उपलब्ध है कि पुनर्वास स्थल पर कौन कौन लोग बस गए हैं और जो मूल गांव में है उनका क्या क्या मिलना बाकी है कुम्हारों को क्या मिलना बाकी है केवटों को क्या मिलना बाकी है दुकानदारों को क्या मिलना बाकी है गरीबों को कौन सा अनुदान बाकी है। कई बार आग्रह किया एक आधा भी भौतिक सत्यापन करने के लिए कभी नहीं आया एक गांव में भी कभी आए थे क्या नहीं आए कोई आया था आज अफरोज अहमद वो इनोवा गाड़ी लेकर महाराष्ट्र जाते हैं अपनी पत्नी के साथ भी घूम फिर के आते हैं नर्मदा किनारे जाकर कहते हैं मैं गेम फिशिंग और इको टूरिज्म अभी चाहता हूँ तो इको टूरिज्म के लिए ये पद दिया था क्या इतने साल से और अभी ऐसी बात करने लगे हैं जब हमको हर बार आश्वासन देते रहे सच्चाई हमने अभी जान ली है लेकिन उन्होंने तो घाटी को जान लेना तय किया है तो एनसीए को हमारी मंजूरी है क्या कोई निर्णय लेने के बारे में नहीं कोई क्षमता ही नहीं है उनके पास कोई जानकारी नहीं है क्या लेकर कौन सी फाइल लेकर दिल्ली गए हैं आज बताइए कल की मीटिंग में कौन सी फाइल है उनके पास कौन सी सूचियां हैं उनके पास एक गांव कभी देखा नहीं है ना एक सूची कभी नहीं है और इतने बड़े पद और इतने लाखों रुपए कमा के और लाखों रुपयों का भ्रष्टाचार ये सब करने वाली एक एनसीए है। पुलिस अधिकारियों ने भी जिन्होंने देखा होगा हमारी बातचीत चलते हुए उनको समझ में आना चाहिए कि अब हमारे पास क्या क्या जानकारी आई है क्या सच और क्या झूठ होता रहा है तो बताइए आप कि कल कौन सा निर्णय की मीटिंग है। मीटिंग कौन थी प्रधान निजी सचिव को मालूम नहीं है सर उसके जो इश्यूज इश्यूज तो हमारे लोग बताएंगे आप क्या अराडा सबलोग की जो मीटिंग है कल 12 बजे 11:30 बजे है दिल्ली में उसके लिए उसके संबंधित लोग चले गए तो उसमें अजेंडा क्या वही बोल रहा हूँ वो सारा अजेंडा मुझे हम बता देते हैं आपको 138 मीटर पानी भरने की तैयारी के लिए गए वो लोग आपको अगर जानकारी नहीं हो हम बता दें आपको और ये गुजरात के सामने मध्य प्रदेश के आहुति दे देंगे क्या बताइए अजेंडा नोट्स तो आई होगी
आपके ही थ्रू गई होगी, उसके बिना फाइलें कौन तैयार करके दे देगा? दिल्ली फाइल जा रही है तो दिल्ली फाइल जा रही है तो पहले तो एजेंडा निश्चित होगा ना। बिल्कुल होगा, एजेंडा आता है प्रधानमंत्री के पास, एजेंडा के बगैर कैसे राजनीति जो अधिकारी है वो पूरी साफ तौर से गए हुए हैं, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। अधिकारी क्या टाइम पर तुम्हारे पास अधिकार का टाइम पर हमारे पास ने टाइपिस्ट को बुलाइए जिनके पास वो कागज होंगे और हमको बताइए, नहीं तो सिन्हा जी को फोन लगाकर पूछ लीजिए, पूछने आए कि कल का एजेंडा क्या है।